वेलकम टू बिंगो यमी जोस प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली। हाय, ये अर्चना जी, आप देख रही कितना जोश आ गया मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति जागी। सच्ची में, कब तक कॉमेडी करते रहेंगे इन लोगों के साथ हम लोग? सोशल वर्क, मैं जाऊंगा फौज में, क्योंकि फौज में है मौज। और मैंने सुना अर्चना जी, यहाँ पर दो ऑफिसर्स आए हुए हैं। हाँ, तो वो ऑफिसर से मिलके जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे फौज में भर्ती कर लो। प्लीज, कहाँ है वो ऑफिसर? प्लीज वेलकम द ऑफिसर, जोरदार तालियां। क्या बात है। ओ जी, मेरा नाम कैप्टन कुरैशी। कैप्टन कुरैशी, राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह राणा, क्या बात है सर। सर, मुझे प्लीज फौज में भर्ती कर लो सर, प्लीज। वैसा है कि आप फौज में रहोगे तो आपको दुश्मनों को खत्म करना होगा। तो सर, मैं सबसे पहले अपने ताए को खत्म करूंगा सर। ताए से क्या दुश्मनी भाई आप? अरे क्या दुश्मनी का सर, सारे पैसे जायदाद उसके नाम पर है। जब भी जाओ मिलता ही नहीं है, अपने बंगले में नहीं होता, किसी शो पे बैठा होता, कैसे था? माइंड ब्लोइंग। ताए को खत्म करूंगा मैं सर अपने पहले। देखो, आपको पता है बॉर्डर में क्या क्या होता है? बॉर्डर में सनी देओल होता है, बॉर्डर में सुनील शेट्टी होता है, बॉर्डर में कुलभूषण खरबंदा होता है, और आप तो डायरेक्टर को जानते ही हैं, क्या क्या नहीं होता उनकी फिल्म में। देखो, ये भर्ती जो आर्मी में होते हैं लोग, मैं भी जब एनलिस्ट कर रहे थे हम, हमारे प्लेटून के लिए, तो हमने देखा था कि कई लोग थे और एक लाइन कतार लगी हुई थी, और कभी 100 लोग खड़े हुए थे, उसमें से एक बंदा था, पता नहीं, मैं देख रहा था काफी देर से, आधे पौने घंटे से वो खड़ा रहता था, और फिर 5 सेकंड बाद लाइन के बाहर जंप मारता था, फिर 5 सेकंड लाइन के अंदर आ जाता था। मैं उसके पास गया, मैंने, भाई साहब देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है, आप मतलब यहाँ भर्ती होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? क्यों, देखिए साहब, वो हम देखिए, अगर लाइन में खड़े हो गए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको भर्ती कर लेंगे या नहीं भर्ती करेंगे, और अगर नहीं भर्ती किया तो कोई बात नहीं, अगर भर्ती किया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको यहाँ पीछे रखेंगे शहर में काम करने के लिए, या तो फ्रंट पे भेज देंगे। पीछे रख दिया शहर में तो कोई बात नहीं, फ्रंट पे भेज दिया, दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको बंकर में बैठना पड़ेगा, या तो फ्रंट में जाके गोली चलानी पड़ेगी। बंकर में बैठ गए तो कोई बात नहीं, फ्रंट पे गए, दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको गोली लगेगी, हम गोली मारेंगे, अगर गोली मारेंगे तो कोई बात नहीं, गोली लग गई तो दो बातें हो सकती हैं, हम मर जाएंगे या जीवित रहेंगे, जीवित रहे तो कोई बात नहीं, मर गए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा शरीर जो है, लाश जो है, दुश्मन के हाथ लग जाएगा, हमारे पास रहेगा, हम लोग के पास रहा तो ठीक है, दुश्मन के हाथ लग गए, दो बातें हो सकती हैं, या तो हमको जलाएंगे या तो दफनाएंगे। अब जलाई दिए तो कोई बात नहीं, दफनाई दिए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा कब्र का ऊपर वीरान रहेगा या कब्र कुछ उगेगा, अगर वीरान रहा तो कोई बात नहीं, उगेगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सरसों वरसों का खेत वेत उगेगा, नारियल का झाड़ उगेगा, अगर खेती वेती हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नारियल का झाड़ होगा, दो बातें हो सकती हैं, या तो नारियल का झाड़ में नारियल रहेगा या नहीं रहेगा, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अगर रहा तो दो बातें हो सकती हैं, या वो नारियल खाएंगे या उससे तेल साबुन बनेगा, अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, तेल साबुन बना तो दो बातें हो सकती हैं, साबुन से लड़का नहाएगा लड़की नहाएगी, और अगर लड़की नहाएगी तो हमको बहुत शर्म आएगी ना। अब इसको और लंबा चलाएंगे तो दो बातें हो सकती है, हाँ जी, या तो ये हमें यहाँ से निकलने को कहेंगे या तो ये हमें यहाँ से निकलने को कहेंगे। तो उसके पहले हम अपने जनता को ये बताने आए कि हमारी आने वाली फिल्म वॉर छोड़ना यार 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, तो प्लीज जाकर के देखिएगा। एक ऐसी फिल्म है जिसपे हमें बहुत गर्व है, और हमें यकीन है जब आप ये फिल्म जाकर देखेंगे आपको भी इस फिल्म पे बहुत गर्व होगा। बिल्कुल, 11 अक्टूबर वॉर छोड़ना यार, जरूर देखिए अपने नजदीकी सिनेमा घर में। थैंक यू वेरी मच। माँ का लाडला सिर्फ माँ की सुनता है, अब माँ को है डर कि शादी के बाद भी वो सुनेगा उसकी बात या बन जाएगा जोरू का गुलाम। चलिए देखते हैं, सास बहू के पंगों से बिंगो यमी टोस्ट ब्रेक दिलाने आ रहे हैं भारतीय सासू माँ, राखी एज अ बहू एंड सिद्धार्थ एज अ बेटा। नमस्ते, ये मेरा बेटा पिंटू। हेलो बोलो। हेलो, जोर से बोलो। जय माता दी। क्या भोला बच्चा है ना मेरा, मैं आपको क्या बताऊं अर्चना जी, आंखें खुली सीधा माँ को देखा, लड़कियों से इतना डरता है ना, इतना शर्माता है, मतलब उनको देखना क्या, उनकी परछाई से भी डरता है। मेरे को तो डर ही लगता है शादी के बाद क्या हाल होगा। हेलो पिंटू। मम्मी छेड़ रही है, छेड़ रही है। तेरा बच्चे को तो छोड़ दे। अरे इसके सामने तो 55 साल का बुड्ढा भी बच्चा लगता है। अरे बाजी, आज मैं ना अपने बेटे के लिए ना लड़की देखने आई हूँ। बाजी वाह, ओए मेरा पुत, ये तो सुशील है। जी वो तो सर्जरी से पहले सुशील था,
सर्जरी के बाद राखी हूँ। अम्मा जी आप तो अकेली दिख रही हैं, ससुर जी नहीं आए? पुत्र, जब ये पैदा होने वाला था ना तो डॉक्टर ने कहा था या तो बच्चा बचा लो या उसके पिता को। मैंने तो यही सुना है माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा लो। नहीं बेटा, इसके बाप का तब एक्सीडेंट हुआ था ना, हम दोनों को एक ही डॉक्टर हैंडल कर रहा था। मैंने जिंदगी में बड़े कड़वे कूट भी है बेटा। ये इतना सा होता था, इसको कार छोड़ के काम के लिए जाती थी, जहाँ भी मैं काम के लिए जाती थी हर कोई मेरा हाथ पकड़ लेता था। मैं गिड़गिड़ाती थी, छोड़ दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। उसने छोड़ा ही नहीं। फिर पुत्र मुझे भी थोड़ा थोड़ा मजा आने लग गया और मैं समर्पित हो गई। बाद में ये अर्पित हुआ, है ना पुत्र? पुत्र, मेरी स्टोरी सुन के तू क्यों बिखर गई? पुत्र इधर आ, कुछ गाना गुना आता? जी माँ जी आता है। चलो फिर एक देशभक्ति का अच्छा सा गाना सुना दो। चलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कामयाब होगी। चलो चलो मैं आई हूँ जी, शादी पक्की होगी। फटाफट लिस्ट बना दोस्तों की, किस किस दोस्त को बुलाना है। राजू, हाँ, दीपक, हाँ, सुधीर, हाँ, बस। चल मेरे भी दोस्तों के नाम लिख। हाँ, जिंदाल, मार्को, पप्पू कंगी और मेरा सबसे बेस्ट दोस्त आना ही चाहिए तात्या बिच्छू। चलो शादी की तैयारी करो। चलो चल पुत्र, निकलो निकलो निकलो, चलो चलो मेरा बच्चा चलो। एक अरमान होता है जी कि बच्चे जिसको बड़ा किया है जब शादी हो तो माँ पागलों की तरह नाचे, और बाज आज ये माँ देखे दीवानी होके नाचेगी। वाह जी वाह, मैं क्या मुंह मीठा कर लो, शादी होगी जे। शर्मा लड्डू खाओगे? नहीं जी। हम दोनों पति पत्नी हैं, मुंह दिखाई में 5,000 दो ना। 5,000 सिर्फ मुंह दिखाई के? मतलब 1.5-2 लाख घुस गया मेरा आज। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध? कौन दूध पिएगा? हेलो, एक स्ट्रॉन्ग बियर और एक आइसक्रीम मंगवा दो। देखिए आपको शर्म नहीं आती, मैं अकेले बियर पीऊंगी, आप अपने लिए भी तो मंगवा लीजिए। हेलो, हाँ, अरे अभी तक फाइल खोली नहीं है मैंने। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 8 टेंडर पास करके रहूंगा। कोई बात ही नहीं। नहीं तू, अरे तू कुत्ते। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मिल गई चाबी। मम्मी क्या कर रही हो? सुहागरात है, दरवाजा तो खटखटा के आती, हम सुहागरात मना रहे हैं। वाह पुत्र वाह, इतना सा होता था जावे जी नंगा, कहते मम्मी चड्डी गीली होगी, चड्डी बदल दो। मम्मी आपने जो देखा था वो बचपन में ट्रेलर था, ये पूरी फिल्म है। चुप कर, नींद आ गई माँ को। पुत्र टूर में बेड पे सोते हैं तू, सोफे पे मार जाके। जी माँ जी। आजा पुत्र। मैं सोफे पे सो जाऊंगा तो सुहागरात कैसे मनाऊंगा, ब्लूटूथ से? चल बहू तू इधर आ, मेरे को तू इधर सो, मम्मा को दोनों बच्चे सोएंगे, ठीक है? मम्मी सुहागरात है, मम्मी आज आज क्या कर रही हो? चुप कर। हाँ जिंदाल, जेल से कब छूटा? मैं भी बड़ा मिस किया तेन। ठीक है।
बाहर निकलो। कैसे सोची तुम्हारी माँ, मेरा तो दिल करता है इसका मर्डर कर लो, खून कर देते इसका। बेवकूफ, इतनी देर में तेरे दिमाग में आइडिया आया, चाकू निकाल। चाकू दे, मैं मारता हूँ, ठीक है? 1, 2, 3। वो तो जब भी बाल। सॉरी, तू मार, तू मार, यहाँ मार, यहाँ। चपेट मारो, अबे पेट में मार, पेट। माँ मरेगी बाद में, पहले तुझे मारूंगा मैं। चंदा, दरिंदिया ये कैसी सुहागरात मनाई, बहू को खूनों खून कर दिया। जा, मैं नहीं कोई माफी देनी। फटे मुँह इनका, इतना खर्चा करके बेड सजाया, दूध रखा, और ये देनो। चलो जिंदाल भी तो आ ही गया। जावेद अब फोन उठा लो कि सबके सामने बता दूं तुम्हारा नाम जिंदाल है। तो आरजी, क्या आपके बेटे की शादी में भी आप भी कुछ ऐसी ही सासुमा बनेंगी? प्लीज नो। परफेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत स्वीट, सिंपल एंड वेरी आराम से परफॉर्म्ड। थैंक यू, वेरी नाइस। अरबाज, वेरी गुड, आई थॉट इट वाज वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। जावेद, फैंटास्टिक, आप तीनों ने जो किया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। शर्मन, मुझे ये एक्ट बहुत पसंद आया। सिद्धार्थ और भारती का मैं बहुत बड़ा फैन हमेशा से रहा हूँ, और राखी, आपको ऐसे कॉमिक रोल को अदा करते हुए देखने में बड़ा मजा आया, और इस ये एक्ट जिस तरीके से खत्म हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली स्पेशल एंड वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। तो अर्चना, आप इस आंखों कितने पॉइंट्स देंगी? 9 points। थैंक यू। अरबाज, थैंक यू, थैंक यू, 9 points। जितने भी हमारे यहाँ सुपरस्टार आते हैं, सब लोग के साथ हम नाचते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने बैकस्टेज ही कह दिया था, कहते प्लीज हमें बुला लेना। तो जावेद सर और शर्मन जी, इंडिया के खाने का स्वाद है इतना लाजवाब कि एक फॉरेनर आई है इंडियन खाने पर रिसर्च करने। अब इंडियन ढाबे पर उसे खाने की रेसिपी मिलती है या उसके दिमाग की ऐसी तैसी होती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज ढाबी वाला, बलराज एज नौकर, एंड क्लाउडिया एज अ फॉरेनर। अरे नमस्कार, 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 नमस्कार। आज इंडिया के बहुत अच्छे एक्टर्स हमारे बीच में हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अरबाज भाई, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मेरा ढाबा है वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ये पहला ढाबा है दुनिया का जहां पर आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे दादाजी जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा था, बेटा मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी रूह यहीं पे रहेगी, बस तब से मैं अंदर नहीं गया डर के मारे। जो भी यहां पर खाना खाने आता, मैंने कहा भाई जो खाना खुद ही अंदर जाके बना ले। एक बार श्रुति जी आई थी, कहती मैंने भी चिकन खाना है, मैंने कहा खुद ही बना ले जाके, 10 मिनट के बाद अंदर से चीखों की आवाज आ रही। मैं अंदर जाके देखा, चिकन ने इसको कढ़ाई में डाला हुआ था। मेरे दादाजी ने सिर्फ एक बार बाहर आए, जो उनकी रूह है, जब अर्चना जी खुद अंदर खाना बनाने गई थी, डर के मारे बाहर आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अंदर भूत है। वो ना, एक ही प्रॉब्लम है उनकी, सिर्फ मेरे नौकर को नजर आते और किसी को नजर नहीं आते। क्यों पंगे लेता दादा के साथ? मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैं अंदर खाना बना रहा था, आगे मेरी निक्कर उतार दी। तो उसकी निक्कर वापस क्यों नहीं करता तू? 4 दिन पहले वापस कर दी थी, पता नहीं कमीने को और क्या चाहिए। दादा, दादे मत भाग प्लीज। ओके सर। आ मेरा भाई, इधर इधर, मेरी मां तो सुन ले। वो है किधर? एक मिनट यार, तेरी मां की, तेरी साले बुड्ढे, इधर आ, पैर पकड़ इसके, पैर किधर है? किधर? एक मिनट, ओए दादे का एक ही पैर है? वो पैर नहीं है वो। हां दे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख ले, तेरी माँ की आई आए, मेरे बाप वाली जगह पे लात मार के भाग गया। मालिक टैटू दिखाओ, टैटू, टैटू। टैटू नहीं, दाद है। Excuse me, is this the world most famous ढाबा ऑफ पंजाब? हाँ जी, जीता सिंह। क्या जीता सिंह? अंग्रेजी ने वो, इधर आओ। आनी भैन जी की लैना आप लस्सी पेंगे, आप लस्सी। लस्सी? What is लस्सी? लस्सी मतलब पंजाबी बियर। देखो यू सी, मैं इंग्लैंड से आई हूँ और ढाबे पर रिसर्च करने आई हूँ, क्योंकि वापस आके मैं ढाबा खोलूंगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि पंजाबियों का सबसे फेमस डिश कौन सा है?
देखो जी, वैसे फेमस वेमस तो कुछ नहीं होता, बस जो उनको चीज दे दो खा खा के फेमस कर देते हैं। लेकिन आपका विलेज इतना फेमस है, इतना फेमस है, हमको तुम्हारी गाउन दिखाओ। गाउन? मैंने तो कुर्ता पहना। यार गाउन गाँव गाँव देखो मैडम, गाँव में बहुत बुड्ढे होते हैं। यू शुड नॉट गो गाउन। हमारे गाँव में तो इतने बुड्ढे होते हैं अर्चना जी, जिन बुड्ढों का अपना नाड़ा खोलते खोलते भी तीन बार दमे का अटैक आता है, वो भी लौंडिया छेड़ते हैं। खाना खाएंगी? खाना मैडम। हाँ मैडम खाओ। अरे नो 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 नो, इतना सारी तो मैं नहीं कहूंगी, दैट्स टू मच। इतना सारी क्या है, इतना तो खाना है। हम पंजाबी लोग तो सुबह उठ के 50 परांठे खा जाते हैं। एक मिनट चुप रहना। किधर है तेरी माँ? भाई मेरा दूसरा बेटा भी गया। उससे क्या हुआ? अब जितना मर्जी जोर लगा ले, इसको कुछ नहीं होना। ओए क्या पता क्या, इसका और दादाजी का आपस में चलता रहता है। ऐसे कैसे दादाजी है जो दिखा नहीं सकते? नहीं पॉलिटिशियन है ना, अभी अभी चुनाव जीते हैं, अब दिखाई नहीं देते। तेरी भाई दादे, भाई मेरे मारे मत भाई दादे, देते कमर। एक मिनट, अरे इधर इधर आ फिर साले, आ फिर इधर अर्थराज के पास आ। मालिक भाग जा वहां से, शराब पी रखी कमीने ने। क्या हुआ? उधर है दादा? नहीं भारतीय पैर दबारी अर्चना जी के। तभी मैं सोचूं 10-10 नंबर क्यों दिए जा रहे हैं उसको। ओए तू भी तो अरबाज जी के दबाले भाग के जा। कृष्णा भाई तेरा हो गया तो मैं आ जाऊं। ओए एक मिनट दादे, दादे श्रुति के अंदर नहीं घुसना दादे। नहीं दादे, ओए जिसके मर्जी अंदर घुस, क्लौडिया के अंदर तो नहीं मैंने घुसने देना। ना ना एक बात बताओ, मेरे पोते की जोड़ी सुदेश कृष्णा के साथ क्यों नहीं बनाई? बोलो। वो बनने वाली थी लेकिन खुशबू की जान पहचान प्रोड्यूसर ज्यादा निकली, इसलिए उसकी बना दी। ऐसे कैसे कोई किसी के बॉडी में घुस सकते हैं क्या? ए, ये इंडिया है, इधर कोई किधर भी घुस सकता है। गाड़ी पटरी से उतर के खेत में घुस जाती है। एक से एक अनपढ़ पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं, बड़े बड़े रोमांटिक लोग सत्संग में घुसे हुए हैं, जिनको बिल्कुल थोड़ी बहुत हिंदी आती है वो कॉमेडी सर्कस में घुसी हुई है। और पिछले 6 साल से अर्चना खुद एक चुड़ैल में घुसी हुई है। इंडिया, एक बात बता, अपना एक्ट तो नहीं कहीं घुस रहा? पता नहीं, वो 4 बताएंगे हमें, क्या पता। टाइम पे बता दो भाई। आर्ची क्या कहेंगी आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? आज के एक्ट बहुत अलग किस्म के हो रहे हैं। इन द बिगनिंग द एक्ट वाज अ लिटिल स्लो, बट इन द एंड इट वाज लाइक थैंक यू ग्रेट। जावेद सही है जो इन्होंने कहा शुरुआत में, मुझे भी थोड़ा लगा वो एक्टिंग जो एक इनविजिबल कैरेक्टर के साथ होती है थोड़ा डिफिकल्ट होता है निभाना, क्योंकि लुक पोजिशनिंग जो आपने उठाया यहाँ से लेके, दैट वाज यू नो आपने रखी हो पोजिशनिंग के, पकड़ाया हाथ पकड़ाया, और इट वाज रियली नाइस। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शर्मन मुझे इस एक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, ऑल इन ऑल आई हैड अ गुड टाइम, थैंक यू। अरबाज ढाबा पोता भूत और उसको एक अच्छे से एक्ट में पेश करना और एंटरटेनिंग करना, व्हाट वाज वेरी गुड अबाउट इट। ओवरऑल आई थॉट द एक्ट वाज वेरी गुड, इट हैड अ स्लो स्टार्ट बट इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। अरबाज आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। आर्ची 9 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। शर्मन जी मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, इफ यू कुड जॉइन अस ऑन द स्टेज इट विल बी रियली ऑनर। आज पहली बार एक जालिम सेठ से अपने चूहे को बचाएगी एक चूहिया। प्लीज वेलकम सुदेश एज सेठ, कृष्णा एज चूहा एंड खुशबू एज अ चूहिया। मैं 4 बजे उठता हूँ बच्चन साहब, और मैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। नहीं, वो अपने घर पे उठते हैं, मैं अपने घर पे उठता हूँ। देखो उधर उन्होंने ट्यूटर खोला इस वक्त, मैंने अपना स्कूटर खोला, इधर आ गया। अर्चना तुम्हें याद है तुम छोटी सी थी और परमीत भी छोटा सा था, और परमीत हमेशा मेरे पास आता था चॉकलेट लेने, और ये भी मेरे पास आती थी चॉकलेट चुराने। परमीत शुरू से शरीफ आदमी था, ये शुरू से मर्द रही है, उससे भी छीन के खा जाती थी ये। खैर मेरी दुकान पे रश रहता है हमेशा, कोई ना कोई आते रहता है। अर्चना कल आ गई, कहती आटा है, मैं क्या है दे दो, मैं क्या कितना, कहती भीख में ऑप्शन थोड़ी होती कि जितना मर्जी दे दो। ये आई मेरे पास, ये श्रुति, कहती चीनी कैसे लगाई है, मैं कह यहाँ बोरी में लगाई है और कैसे लगाई है।
कहती मैं लग किलो, मैं क्या किलो 100 रुपए किलो, कहती बाजू वाला तो 80 रुपए किलो देता है, तो मैं क्या उससे ले लो, कहती उसके पास है नहीं, मैं क्या जब मेरे पास नहीं ना होती मैं 20 रुपए किलो बेचता हूँ। ऐसे से लोग हैं, क्या करें भैया, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई, और बात जी इतनी महंगाई होगी, पर आपको क्या पता अमीर लोगों, आपको क्या पता महंगाई क्या होती, गरीब से बात कर। हाँ अर्चना जी, अर्चना से बात, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, कभी आप खरीद के कुछ खाओ तो आपको पता चले महंगाई कितनी है। खैर दुकान खोलते हैं। तू देख के गाना याद आया, इतना मनहूस चेहरा। Anyway, ए तू है कौन? एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं दोबारा पूछता हूँ। ए हूँ भैया, कृपा है भगवान की, कौन है तू? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, चूहा होकर कुत्ते की मिमिक्री कर रहा है। अच्छा, जब तू कुत्ता होकर ओम प्रकाश की मिमिक्री कर सकता है। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं? हाँ। एक्चुअली मेरे ब्लाउज का बटन टूट गया है, लगवाओ। साले क्या करने आऊंगा तेरे इधर, लड्डू खाने आया और क्या। अच्छा अच्छा, चूहा है। और बता चूहे भाई, आजकल क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, फिल्मों में सलमान चल रहा है और टीवी पे कृष्णा चल रहा है। और सुदेश का क्या चल रहा है आजकल? चंद पैसों के लिए भी लाला वना कहीं एक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, वैसे तो कृष्णा का भी बहुत बुरे हाल है, उसी की दुकान पे चूहा बन के रोटी का इंतजाम कर रहा है, ये हाल बना हुआ उनका। ज्यादा नाटक नहीं कर देगा, 500 का खुला है। क्यों नहीं है तो एक देना, बहुत जरूरत है यार। बेवकूफ बना दे मेरे को, गरीब कहीं का। गरीब वरीब नहीं, पैसे लेकर आया हूँ मैं। लिस्ट बता क्या क्या मिलेगा? लिस्ट ये है, बता क्या लेगा। दाल 80 रुपया किलो, चावल 60 रुपया किलो, जहाज 5 करोड़ रुपया किलो। साले दाल चावल में जहाज कहाँ से आ गया? नहीं 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 नहीं, मैं तो दाल चावल ही बेचता हूँ, ये कालिया साहब है ना, वो कहते मेरे जहाज बेच दिया करो, उसके पास जगह नहीं है, तो मैं कह चलो एक एक रोज बेच देंगे, हमारा गया उसकी गरीब की रोटी चल जाएगी। Anyways, can you do one thing for me? Please pack some 2 pieces of cheese with some almond, but in aluminium packs so that when I go home it shouldn't get dropped, okay? देख, इस वक्त मोहनी का टाइम है और मेरी बीवी आने वाली है, ऐसी अंग्रेजी बोलेगी ना तेरी पूछ काट देगी कमीने। फिर लाला, तुम्हारी बीवी ठीक टाइप की नहीं है। क्या क्या बीमारी है उसको? समझ नहीं रही, जो सामने बिल्डिंग है येलो कलर की, हाँ? उसके पहले माले पे 102 फ्लैट में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा रात को एक आदमी के साथ। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिता ता चिता। एक मिनट, वो तो यार मेरा घर है। वो रात को तुम थे? तो और कौन होगा? कपड़े के बिना काफी भयानक लगते हो तुम लाला। अरे मेरे पास तुम्हारा MMS भी बना पड़ा है, नेट पे डाल दो। मेरा चूहा बेटा पनीर खाएगा, आजा आजा आजा, पनीर खाएगा मेरा बच्चा, पनीर खाएगा, आजा आजा, गुजा गुजा अंदर। पनीर, यस लाला। अरे मारेगा मेरे को, क्या करेगा तू? ए? तेरी माँ का झींगा लाला। निकाल के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। यू ए, मेरे साथ बकवास की तो मैं तुम्हें जेल से आजाद नहीं करूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा। अच्छा हाँ। देख मैं कहाँ खड़ा हूँ। डार्लिंग, मुझे बचाने के लिए आ जाओ, ये लाला बांसुरी वाला। किसके वाला? बांसुरी वाला। ओके, बांसुरी वाला। लाला, मीट माय वाइफ, शी इज रूइन माय लाइफ, इन हर पोट आई विल गिव वन नाइफ। मैं तेरे को अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। ये बताओ तुम इतने चालाक हो, इसके जाल में कैसे फंस गए? अरे लाला ने साले ने पनीर के चक्कर में फंसा डाला। व्हाट? हाँ, तुम पनीर के लिए फंस गए? पनीर के लिए? पनीर पनीर ऐसे कर रही है, तेरे को भी तो मैंने आलू गोभी दिखाई थी तब फंसी थी। एनीवे, डोंट वरी बेबी, अब मैं आ गई हूँ।
ए बे सेठ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। कम ऑन बेबी, देखो हाथ जोड़ने से अगर पति छूट जाते तो परमीत कब का छूट जाता अर्चना से। देखो अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो हम रेडी हैं, बस इनको छोड़ दो प्लीज। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बेबी बताओ ना तुम कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो? ए, उसे कौन करेगा? मैं तुमसे आई लव यू है। हाँ मेरी बीवी को आई लव यू बोला लाला बांसुरी वाला। लाला, हाँ? तू रात को तेरे काल कोंडे के बारे में बता दूंगा, क्या क्या करता है तू रात को। अच्छा एक मिनट जरा बाहर आ जाना, मैं देखता हूँ क्या बकवास कर रहा है अंदर, क्या करेगा तू रात को, तू क्या क्या करता है, क्या करता है, क्या बताएगा तू? यही बताएगा ना कि ये बंदा अपनी वाइफ की मैक्सी पहन के सोता, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? लोग मेरे को पूछेंगे, मैं पूछूंगा कि जाओ मेरी वाइफ को देखो, वो मेरा पजामा पहनती है, इसमें क्या है? ये वाली बात पता नहीं थी, ये वाली बात भी बताऊंगा लाला। तेरे को तेरी मर्दानगी पे शक होगा, वो वाली बात देश में बता दूंगा। अच्छा वो वाली, यही बताएगा ना कि इसके बच्चों की शक्ल इसके पड़ोसियों से मिलती है, तो कोई बात नहीं, मैं दुकानदार बंदा दुकान पे रहता हूँ, बच्चों की शक्ल पड़ोसी से मिलेगी क्योंकि पड़ोसी घर में रहते हैं, इसी को होगा। ये वाली बात भी मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, ये वाली बात भी बताऊंगा। ट्रेलर दिखाओ, ट्रेलर, ट्रेलर सारा चला अंदर, तू अंदर ही ठीक है, चल अंदर। साले तू काफी देर से बोल रहा है, इसको मैं मार ही दूंगा। अच्छा क्या लाइक करोगे, मिर्चें डालूं आपकी आंखों में या गोली मारूं? मेरे पास एक गोली है और आदमी है दो, तुम दोनों में से डिसाइड कर लो कौन मरेगा, एक को मारूंगा मैं। एक मिनट, मेरी बीवी को गोली मारने नहीं दूंगा मैं, ये तो मुझे गोली मार। नहीं नहीं नहीं, मैं इनका मंगलसूत्र पहनती हूँ, इनके लिए व्रत रखती हूँ, मैं इन्हें नहीं मरने दूंगी, आप मुझे मारो। मार दे, खत्म कर इसको। हमारी जोड़ी कौन नहीं जोड़ी? आपकी भी जोड़ी की फिल्म हिट हो जाए। जावेद आपको ये एक्ट कैसा लगा? आप तीनों ने बहुत आपके कैरेक्टर्स में थे एंड बाकायदा, एंड यू मेंटेन द टेम्पो, सो दैट वाज, यू कैन होल्ड एंड दैट्स फैंटास्टिक। सो शर्मन आपको कैसा लगा? मुझे इस एक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, द परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड, ईच वन ऑफ यू ऑल क्वाइट अ फ्यू लवली पंचेस देयर एंड आई लाफ्ड आउट लाउड, सो वंडरफुल, थैंक यू। आर्ची इट वाज अ क्यूट एक्ट बट मुझे थोड़ा छोटा लगा और थोड़े पंचेस कम लगे, but it's always a pleasure to see you guys on stage, always. Thank you Archie. Arbaaz, ye act mein thoda sa compromise ho gaya. It was not really up to the mark as what your standards are there, but it was good, it was good, thank you. To kitne points denge aap is act ko? Arbaaz 8 points, Archie I'll still go with a 9 points. अनोखी फैमिली की वॉर दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज मवाली भाई, जामी एज पुलिस इंस्पेक्टर एंड मुबीन एज अ बच्चा। मारेगा सर पे करेगा घर पे क्या? अरे भाई का कैरेक्टर कर रहे लाऊं, बहन का थोड़ी ना। ये हंस क्या रहे हो अर्चना बेन, कुछ भी को अपने देश में जो आजकल चल रहा है ना बेन लोगों के साथ बेइज्जती, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बेन लोग भी चूड़ियां छोड़ के भाईगिरी करेंगे। बेन लोग बजाओ ताली तुम लोग के लिए, श्रुति भाई वही जो बेन की इज्जत करना जाने और बाबा वही जो प्रवचन करना जाने, बस सब उल्टा हो रहा आजकल। अपन भाई लोग का जो सबसे बड़ा एंथम था बोले तो थीम सॉन्ग, वो अपने भाई ने गाया था भाई, मुंबई इज अ डेंजर प्लेस। जावेद भाई हो जाए एक बार जोरदार तालियां जावेद भाई के लिए, भाई लोग के लिए। Mumbai ekdam danger place where you survive if you've got the pace. You've got to be fast, you've got to be tase, you've got to be Shana to win the race. Chota chota matter bane police case, bada bada lafda goal without trace. Ghabrane ka nahi, give it in the face. Wo kya bolta hai, haan jaisa desh waisa bhes. Dikhe bethi ganga, paki se nikle kanga, dekh ke lena panga ne to ho jayega danga. Some people bhala changa, samay bhik manga, cannot judge anybody sorry for lafanga. Bhai giri ko chhod sab bakwas, bhai ka andar jore.
देता बिंदास भाई को देगा त्रास होएगा वो क्लास भाएगा उसका ब्लड जस्ट लाइक टमाटो सॉस अरे बाप रे खाने का पीने का मरने का जीने का चलने का फिरने का उठने का गिरने का टेंशन नहीं लेने का भाई से पूछने का कसकाय पराया मुंबई आने का जाने का नाचने का गाने का नहाने का धोने का हंसने का रोने का बोमने मारने का भाई से पूछने का कसकाय पराया ही इज मुंबई थैंक यू भाई ने एकदम डंके की चोट कही बात वॉर छोड़ना यार है कि नहीं भाई और इस पिक्चर के अंदर जावेद भाई पाकिस्तानी ऑफिसर बने ले और शर्मन भाई हिंदुस्तानी ऑफिसर पहली बार दोनों मुल्कों के ऑफिसर को साथ में देखा ताली बजा रहे हो और आपको हंसी की पड़े लिए मेरी लगी पड़े लिए मेरी शादी एक पुलिस वाली से हो गई अर्चना बेन मैं आपको क्या बतलाऊं मैं उसको परमाला डालने गया उसने हथकड़ी डाल दी मेरे हाथ में एक बार जो मैंने पावती बना दी उसके बाद मैं 500 से कम नहीं लेती हाँ अरे उंटा क्या मेरा भाई ए, क्या रे सुबह सुबह कितना आवाज कर रहे लाए तू सुबह सुबह इसको आवाज में प्रॉब्लम है रात को इससे नींद से जगाओ तो प्रॉब्लम है फैशन टीवी बंद कर दिया सक्कू भाई को बाय बाय बोल दिया कहाँ करूँ भूखी भूखी सुहाग रात की रात जावेद भाई इसको गले लगाने गया तो क्या बोलती है कानून को हाथ में मत लो तू चोर कहीं का अरे तो चोरी करता है तो घर के लिए करता है तेरे लिए करता है तूने मेरे लिए क्या किया बोल तेरे करवा चौथ का व्रत रखी मैं तुम औरतें अगर हम मर्दों के लिए कुछ रखना चाहती हो तो मौन व्रत रखो 4-5 साल बढ़ जाएंगे हमारे जा रही हूँ मैं जा रही हूँ ये 500 की पौती काटेगी मेरी मधुबाला आज फिर लेट हो गया मैं मम्मी पापा का लड़ाई नहीं देख पाऊंगा तो मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होगा ए, अरे छोड़ रहे अरे सबके सामने ऐसा थोड़ा अरे फटेले दूध की मलाई तेरे को तेरी माँ ने कोई तमीज नहीं सिखाई ए, मेरी माँ के आदमी ए, ए, मेरे बाप की औरत ए, पापा एक बात बताऊं बोल मैंने ना आज प्रिंसिपल को बजा दिया बहुत सही खेला बाप हाँ मेरे को बोलता कल पापा को लेके आना मैं बोला ए झगड़ा तेरा मेरा बीच में बाप को काय को लाता है सही बोला गोपज देना रे ठीक है पापा ऑमलेट खाओगे अंडे लाया हूँ किधर है अंडे ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड टीचर ने पूरे अंडे अंडे दिए भूगोल में भी अंडा है साइंस में भी अंडा हिंदी में भी अंडा सब में है अंडा ओ माय गॉड मेरी टीचर कितने अंडे देती है मुर्गी से ज्यादा इसको कुछ नहीं आता रे इसको देखो हाँ तो कैसे आएगा मेरा बाप चोर है हाँ क्या हाँ मेरी माँ पुलिस है इसको भी मेरे से कंप्लेन इसको भी मेरे से कंप्लेन उधर टीचर को मेरे से कंप्लेन आई एम ए कंप्लेन बॉय इसको पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने अपने कंगन तक गिरवी रख दिए थे सुन माँ तू टेंशन मत ले मैं बड़ा होकर तेरे कंगन छुड़ा दूंगा लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला आवाज लड़ी आवाज आवाज लड़ी तेरे एग्जाम आ रहा ना तैयारी कर अच्छा बता भेड़ों से हमें क्या मिलता है भेड़ों से हमें ऊन मिलता है ऊन से स्वेटर बनता है और स्वेटर ऋषि कपूर अंकल पहनते थे क्योंकि उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती थी नानी माँ मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ नानी माँ मैं राधा के बिना जी नहीं सकता नानी माँ बोल राधा बोल तुम मुझे प्यार करती है ना बोल राधा बोल अरे पापा कोई आया है 200 रुपए दो ना बाहर मांगने वाला आया है मांगने वाले को 200 काई को हाँ तो साथ में पिज्जा भी लेके आया ना ये संस्कार दिए तुमने मैंने क्या दिए सर तूने दिए इसमें ये क्या लगा के रखा इसने दी उसने दी किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे ये मेरी जिंदगी है ये मेरी निजी जिंदगी है क्या अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये मेरी पर्सनल लाइफ है मतलब निजी जिंदगी अरे मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा होता रहता है क्या करूं इनके दोबारा प्यार हो जाए आइडिया इन दोनों का फोन चेंज कर देता हूँ एक्सचेंज पापा अपना मोबाइल देना एक मिस कॉल देनी है ये रख थैंक यू मम्मी अपना मोबाइल ले देना इसमें मिस कॉल सुननी है अच्छा आइडिया एक्सचेंज कर दिया अरे इसमें बैलेंस तो डलवाओ बैलेंस ही नहीं है पापा आपके मोबाइल में भी बैलेंस नहीं है भैया ये तो मेरा फोन भी नहीं है पर इसमें कितने गंदे गंदे वीडियो अरे
आरजी कैसा लगा आपको ये शैतान बच्चा? टू क्यूट, वेरी वेरी नाइस, जैमी एक्सलेंट, एंड क्या वंटास वंटास, अरे वाह, तेरा उस्ताद के सामने बैठे ना। थ्री ऑफ यू वेरी नाइस परफॉर्मेंस, थैंक यू मैम, थैंक यू आरजी। जावेद भाई, लाला मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। परफॉर्मेंस वाइज फैंटास्टिक, आप कैरेक्टर्स में थे एंड बाकायदा, एंड यू मेंटेन द टेम्पो, और इंटरेस्ट रहा हमारा, हम बिखरे नहीं, सो दैट वाज, यू कैन होल्ड एंड दैट्स फैंटास्टिक, सो थैंक यू जॉर्ज भाई, शुक्रिया सर। आई ऑलवेज वॉच दिस शो एंड आई लव दिस शो एंड यू गाइस आर ग्रेट, लवली पंचेस देयर एंड आई लाफ्ड आउट लाउड, सो वंडरफुल, थैंक यू, थैंक्स अरमान भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरमान, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी फाइन एक्ट, वेरी गुड एक्ट, शुक्रिया भाई। अरमान, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरमान, 9 पॉइंट्स फ्रॉम आरजी। जावेद भाई, जिन लोगों को देखकर मैं मिमिक्री सीखा हूं उनमें से आप भी हैं, अरे मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप यहां आकर दो चार आवाजें मेरे साथ करें तो। चलिए, अरे जावेद भाई आ रहे हैं, देखो मुबीन, अगर तुम जैसे बच्चे हमारे खानदान में पैदा हो गए तो हमारा खानदान नाश हो जाएगा। चलो बोल रहे हैं, ओके तुम पकड़ो। ओए मॉम्स रॉक बैड बॉय, यू नो आई मीन, या अब ये दी फाइट्स, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द नेक्स्ट 40-50 इयर्स, यू नो वी गेट अ लिटिल मैरिड और समथिंग, या प्रीटी कूल, यू हिट मी, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, ओह एंड्रू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये जो तुम यहाँ खड़े रह के बदतमीजी कर रहे हो, मेरे कपकपाते होंठ, तुम शायद नहीं जानते कि इन कपकपाते होंठों का मतलब क्या होता है। जब मैं गुस्से में आता हूं मैं अपने गाल चबाता हूं। सही जाफरी साहब, ओहो, प्लीज प्लीज, दैट विल बी बेटर नरेंद्र। बिजनेस की बाजी तो तुम जीत गए, मगर जिंदगी की बाजी का क्या? आप अपने पिताजी जगदीप जी की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो यू कैन लीव विदाउट डूइंग दैट। अजी गली पीली लाल नीली, देख के हो गई चट्टी ढीली, अरे निकल ले जावेद एंड शर्मन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ कॉमेडी सर्कस के महाबली। आई होप कि आपको हमारे शो पर आकर बहुत मजा आया। जावेद, फैंटास्टिक, बहुत यार, देखो एक तो कैसा कलेक्टिवली इतने सारे टैलेंट एक स्टेज पे भर जाते हैं, मेरे लिए तो दिस इज द बेस्ट पास टाइम, आई मीन आई कम हियर, आई कम, आई लाफ, आई एंजॉय, आई एडमायर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस द शो, गॉड ब्लेस, और हमारी वेटरन जज जी जजमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो, कृष्णा एंड सुदेश, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ एंड द होल गैंग, भारती एंड सो मेनी ऑफ देम, एंड सो मेनी इवनिंग्स आई स्पेंट वॉचिंग दिस वंडरफुल शो, एंड बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, एंड 11 अक्टूबर को वॉर छोड़ना यार जरूर देखना, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, एक बार जोरदार तालियां जावेद और शर्मन के लिए।